अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के जागो नागरिक जागो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। आज के वीडियो में हम आपको जुवेनाइल एक्ट के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। जुवेनाइल उसे कहते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। अपने देश भारत में भारतीय दंड अधिनियम के तहत किसी भी बच्चे को किसी अपराध के जुर्म में सजा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक उस बच्चे की उम्र कम से कम 7 वर्ष ना हो। अगस्त 2014 में भाजपा सरकार ने लोकसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल को रखा था और नए संशोधन बिल में उम्र की सीमा को घटाकर 18 वर्ष से 16 वर्ष कर दिया गया था। आज किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 इस बात को स्पष्ट करता है कि वे बच्चे जो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं उनके देखरेख और रख रखाव की जरूरत होती है और उन बच्चों के साथ किस तरह से पेश आया जाए, क्योंकि नए नियम के अनुसार 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर अपराधियों को वयस्क मानने का प्रावधान है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार गंभीर अपराधों में लिप्त पाए जाने वाले बाल अपराधियों को जेल की सजा दी जाती है, जबकि उन्हें उम्र कैद या फांसी की सजा नहीं होगी। अगर किसी आरोपी की आयु 18 वर्ष से कम हो तो उस आरोपी का मुकदमा अदालत के स्थान पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलता है। आरोपी पाए जाने पर किशोर को अधिकतम 3 वर्ष के लिए किशोर सुधार गृह भेजा जाता है। कानून में परिवर्तन के बाद रैगिंग जैसे अपराध करते हुए पाए जाने पर 16 वर्ष से अधिक वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा और ₹10,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। 2015 के अधिनियम के तहत किशोरों द्वारा किए गए अपराध को जघन्य अपराध, गंभीर अपराध और छोटे अपराधों के रूप में डिवाइड किया गया है। गंभीर अपराधों में 3 से 7 साल की कैद के साथ अपराध शामिल हैं। अधिकांश जघन्य अपराधों में न्यूनतम या अधिकतम 7 साल की सजा होती है। जुवेनाइल जस्टिस बिल में नियम है कि रेप और हत्या जैसे गंभीर अपराध करने वाले 16 से 18 साल के अपराधियों पर अधिक आयु वाले अपराधियों की तरह मामला चलाया जाए। ऐसा देखने को मिला है कि जुवेनाइल जस्टिस कानून 2000 में कुछ प्रक्रियागत खामियां रह गई थी। वहीं राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो NCRB के तहत उन अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी तेजी से हो रही थी जिनमें सम्मिलित लोगों की आयु 16 से 18 वर्ष के लगभग थी। NCRB का रिकॉर्ड यह बताता है कि 2003 से 2013 के बीच ऐसे अपराध में बढ़ोतरी बहुत तेजी से हुई है। इस समय 16 से 18 वर्ष के अपराधियों की संख्या 54% से बढ़कर 66% तक हो गई थी। जुवेनाइल बिल में किए गए संशोधन के तहत किसी नाबालिग के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबे समय से चल रहा हो तो इस मामले का निस्तारण 6 महीने के भीतर नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उस मामले को हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी JJ एक्ट में इस तरह का नियम है। इसके बाद उस नाबालिग का कोई भी आपराधिक सबूत रखने की बजाय मिटा दिए जाने का नियम है। इस नियम के पीछे उद्देश्य ये है कि नाबालिग की नई जिंदगी में पिछले आपराधिक इतिहास का कोई भी प्रभाव ना पड़े और साथ ही उसकी पुरानी गलतियों की वजह से उसके भविष्य में उसे कोई रुकावट ना आए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत नाबालिग द्वारा किए गए अपराध की सजा तय की जाती है और राज्य के सभी जनपदों में इसके लिए कोर्ट बनाई गई है। नाबालिग अपराधियों की अधिकतम सजा 3 वर्ष दी जा सकती है। इस दौरान नाबालिग अपराधियों के सुधार गृह और देखभाल के लिए उन्हें संप्रेक्षण गृह में रखते हैं। इस एक्ट में नाबालिग के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई के लिए समय निर्धारित होता है। यदि नाबालिग के खिलाफ मामले का निष्पादन 6 माह के भीतर नहीं होता तो पूरी कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाता है। यदि किसी भी नाबालिग के विरुद्ध मुकदमा चल रहा होता है तो उस समय लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर बच्चे के परिवार की सोशल जांच की रिपोर्ट को तैयार करते हैं। इसमें नाबालिग के परिवार की पूरी जांच पड़ताल की जाती है, साथ ही रिश्तेदार और माहौल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं और नाबालिग की जमानत दे दी जाती है। इस बात को ध्यान रखते हुए कि भावी माहौल में उसे आगे के जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़े। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार किसी नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।